राफेल मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर आज गुना के बीजेपी कार्यालय से एक रैली के रूप में कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, या न्यायपालिका ने निर्णय कर दिया उसके बाद न्यायपालिका का भी सम्मान कांग्रेस के दल के लोग नहीं कर रहे, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। जिस चीज की हमको आवश्यकता है, परम सम्मानीय राधेश्याम पारिक जी, गुना के लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय गोपीलाल जाटव जी, वरिष्ठ नेता हरि सिंह यादव जी, भूपेंद्र रघुवंशी जी, अशोक जी, गजेंद्र जी, चिरंजी लाल जी, आर एन यादव जी, बलबीर जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष, सभी हमारे डॉक्टर निर्मल सोनी जी, सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, माता बहने, महिला मोर्चे की अध्यक्ष, पत्रकार साथी, और लोग सोच रहे होंगे कि एक दिन हुआ है कांग्रेस की सरकार बने, पूरे देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, केंद्र की सरकार को पचा नहीं पा रहे। उन्होंने तो 10 साल विकास नहीं किया, मोदी जी की सरकार ने विकास किया और देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए राफेल सौदा किया। माननीय आपके संज्ञान में हम यह विषय लाना चाहते हैं कि राफेल खरीद समझौते के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य श्री राहुल गांधी ने तथ्यहीन, बेबुनियाद, निराधार, अतार्किक प्रश्न खड़ा करके उसे दुष्प्रचारित कर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने में 4 याचिकाएं दाखिल की गई। इन याचिकाओं में निर्णय प्रक्रिया, कीमत तथा ऑफसेट पार्टनर को लेकर 3 विषय प्रमुखता से उठाए गए। गत 14 दिसंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप पाया। इसने